के विभिन्न राज्यों से आए हैं, आपका स्वागत करते हुए पंडित फकीर योगी बेंद्रेवी को अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे कायरोस, हमारे देश के जितने भी बेरोजगार युवक और युवती हैं, उनको सौआदर सम्मानित बुलाते हैं और उनके गुणों के आधार पर, उनकी कार्य कुशलता के आधार पर उनको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं। आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है और आपको योग विद्या के लिए यहाँ के जो इंचार्ज है मिस्टर अजीत और इनके जो बॉस है मिस्टर डीएसपी राव और जो सुप्रीम बॉस है मिस्टर सीवी राव आईपीएस ऑफिसर, सबों का मैं धन्यवाद करता हूं और आपका उज्जवल भविष्य हो इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। अरे दोस्तों, योगा होता क्या है? योगा का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना, जुड़ जाना। और जुड़ना क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम। जब प्रेम होता है तो लोग गले से गले मिलते हैं, वही जुड़ना है। लेकिन आप अगर अपने आप से जुड़ोगे तो आपका दो पार्ट है, एक आपका शरीर है, पूरा शरीर है, पैर से लेके ये जो मस्तिष्क है वहां तक, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कीमती चीज है वो आपका है माइंड। क्या है? माइंड। ये ब्रेन है, इसमें माइंड होता है। ये बॉडी है, इसमें बहुत सिस्टम्स होते हैं, मोर देन 12 सिस्टम्स का नाम है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्रेन सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये शरीर में इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, मालूम है ना? बात चला कभी कार चलाया? कभी बाइक देखा? बहुत सिस्टम होते हैं बाइक में, होते हैं। बॉडी भी एक मशीन है। क्या है? मशीन। ये इसको बोलते हैं बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। तो ये मशीन को चलाने के लिए हमें चाहिए अकल, बाइक को चलाने के लिए चाहिए ड्राइवर जो एक्सपर्ट हो, समझ रहे हो क्या? कार को चलाने के लिए, प्लेन को चलाने के लिए, जेट को चलाने के लिए एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए। योग विद्या तुम्हारे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए ज्ञान की शिक्षा देती है। क्या देती है? ज्ञान की शिक्षा। और जब ये तुम्हारा मशीन है शरीर, तो इसको सबल करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, आसना करते हैं। क्या करते हैं? आसना और प्राणायाम। क्या करते? बोलो। और आसना करते हैं, इससे शरीर हमारा सबल हो जाता है। लेकिन इसको चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है, ड्राइवर का ट्रेनिंग दिया जाता है, मालूम है ना? तो अगर तुम सच्चे एक्सपर्ट ड्राइवर बनना चाहते हो और जीवन को सही रास्ते चलाना चाहते हो, तो सबों को योग विद्या अवश्य सीखना चाहिए। योग विद्या सिखाता है तुम दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करोगे, तुम्हारा व्यवहार दूसरों के साथ क्या होना चाहिए? अहिंसक व्यवहार, अहिंसा। बोलो। अहिंसा व्यवहार। सत्य बोलना दूसरों के सामने, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अहिंसा, असत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, समझ गए? इसको हम पतंजलि योग सूत्र में यामा बोलते। क्या बोलते हैं? यामा। क्या होता है यामा में? अहिंसा। बोलो। अहिंसा। सर उस पर ही फोकस करो। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मीन्स योग विद्या तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे समाज में, तुम्हारा दुनिया में, तुम्हारा परिवार में व्यवहार कैसा हो, तो क्या होगा? अहिंसक व्यवहार होगा। मन वचन कर्म से सबको प्रेम करोगे, सम्मान से बात करोगे, किसी का चोरी नहीं करोगे, किसी के साथ झूठ नहीं बोलोगे, किसी की औरत माँ बहन पर बुरी नजर नहीं डालोगे और अपरिग्रह, किसी के दिए हुए बिना काम के जो कुछ देगा तो भीख नहीं लोगे, समझ रहे हो? इसको बोलते यामा। इसको दिमाग में रखना है, इसी तब तुम अच्छे ड्राइवर बन जाओगे जिंदगी में, अपने मनुष्य जीवन को चलाने के लिए। क्या क्या होता है बोलो, याद करो। अहिंसा, सत्य, अस्त्या, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, समझ गया? ये पांच होते हैं यामा। कट कर दीजिए।